हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज आपको इस वीडियो में सिखाएंगे विदाउट आरसीसी स्लैब, विदाउट रिइंफोर्समेंट कंक्रीट एंड विदाउट का ब्रिक मेजनरी। ठीक है, ब्रिक मेजनरी आपका वॉल, जो आपकी पार्टीशन वॉल होती है वो किचन काउंटर के नीचे, तो कैसे आपको किचन काउंटर टॉप बनाना होता है। तो जैसे आप देख रहे हैं किचन काउंटर टॉप है, ये किचन काउंटर टॉप बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपका स्लैब है, स्लैब के ऊपर आपको ये कोटा स्टोन है, कोटा स्टोन आपको ये हाइट कोटा स्टोन की लगा देते हैं एज पर डायमेंशन यू रिक्वायरमेंट साइड पे। जो इसका टॉप रखते हैं आपको फ्लोर फिनिशिंग लेवल से इसका जो फ्लोर फिनिशिंग लेवल होता है 30 इंच से 34 इंच तक होता है। तो इसके ऊपर भी आपका टाइल का मार्जिन है, सीमेंट सैंड का जो मोर्टार होता है उसके बाद टाइल लगाते हैं, इस पर भी आपका 2 इंच मार्जिन होता है। तो इट्स मीन आपका इस फ्लोर लेवल से जो इस फ्लोर का लेवल रहता है 31 इंच रहता है। उसके बाद आपका 1 इंच का मसाला आता है, उसके बाद 1 इंच का पत्थर आता है, तो 2 इंच हो जाता है, 31 प्लस 2 इंच, तो 33 इंच आ जाता है। तो 33 इंच, तो आपका 32, तो इस लेवल से ये आपका क्या हुआ, 33 इंच हो जाता है। तो इसके ऊपर आपका मोटर आ जाता है 1 इंच 2 इंच, तो वही मार्जिन जो आपको पहले से लेवल लगा लिया जाता है। ठीक है, इसके लेवल से इसके लेवल। उसके बाद देखते हैं ये वाला पार्टीशन, जो इसमें हम किचन काउंटर टॉप से जो हम किचन पार्टीशन देते हैं कोटा स्टोन से देते हैं, नीचे कोटा स्टोन आपका यूज़ हुआ है, नीचे कोटा स्टोन यूज़ हुआ है। इसको कोटा स्टोन को क्या करना है, सामने आप वॉल देख रहे हैं, वॉल में आपको ग्राइंडर मशीन से कटिंग करना है, उसके बाद जो कोटा स्टोन देना है जो वॉल के अंदर सटा देना है। उसके बाद सामने जो नीचे कॉर्नर में देख रहे हैं वहाँ पर मोटर या फिर GP2 या फिर आपका सीमेंट पेस्ट से भर दिया, फिलिंग कर दिया जाता है, नीचे फिल कर दिया जाता है। तो ये आपका नीचे जो आपका ये है, इसके नीचे जो क्या जाता है एरोलाइट होता है दो मिक्सिंग, जो एरोलाइट होता है दोनों को मिक्सिंग करके इसके नीचे लगा दिया जाता है, ताकि जो स्ट्रेंथ है दोनों पत्थर जो इसका ज़्यादा ऑलवेज एरोलाइट से, तो एरोलाइट से ये बॉन्ड हो जाएगा, ये भी आपका एरोलाइट से बॉन्ड होता है। क्लियर। उसके बाद ये जो देते हैं इसकी मिनिमम थिकनेस रहती है 25 से 30-40 mm का जो आता है वो उसके साइज पर लेते हैं। तो ये भी आपका जो इसकी साइज होती है इसके सेंटर में आ जाता है वहाँ पे। उसके बाद ये वॉल पे हम कैसे लगाते हैं, सीमेंट पेस्ट से इसको कोटा स्टोन को लगाया जाता है। फिर ये आपका बॉटम देख रहे हैं, ये बॉटम आपको क्या है, ट्रैप, जो आपका जो सैनिटरी ट्रैप के लिए लगाया जाता है, सैनिटरी ट्रैप के वहाँ से सामने वॉल देख रहे हैं, वॉल के फेस में से पाइप लगाया हुआ जो सीधा नीचे गया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर सैनिटरी पाइप लगाया जाता है, तो सैनिटरी पाइप नीचे आ जाता है, यहाँ पे सिंक लगेगा आपका, तो सिंक जैसे ये देख रहे हैं सिंक भी आपका कोटा स्टोन के ऊपर कटिंग करके लगाया जाता है, तो सिंक आपका नीचे ट्रैप पे पानी निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह का किचन काउंटर टॉप लगाया जाता है आपका। ये लेवल जैसे लेवल ट्रांसफर करेंगे इस तरह से इसका जो टॉप है, जो ये वाला आपका जो आपने ये वाला पत्थर लगाया अपने, इसका जो टॉप लेवल है ये वाटर लेवल से मार्क कर लिया जाता है। इसका मार्क यहाँ पर कर लेंगे इस तरह से, लेवल एरो से इस तरह मार्किंग कर ली जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी देख रहे हैं आप, इधर से ये एरो का निशान दिख रहा है, तो ये आपका बॉटम में एरो का मार्किंग लेवल पहले से लगा, लेवल का टॉप लगाने के बाद उसके बाद ये वाला पत्थर लगाएंगे आप। ठीक है, तो उसके बाद ये ग्रेनाइट देख रहे हैं सामने, ये वाला जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट इसके सामने पट्टी लगाई जाती है, कई वीडियो मैंने दिखा दिया काउंटर टॉप लगाने के लिए। तो किचन सिंक के लिए क्या किया जाता है, किचन सिंक के लिए इसका साइज कटिंग कर लिया जाता है। तो कटिंग करने के बाद जो साइड में कॉर्नर देख रहे हैं, ये वाला जो कॉर्नर है आपका, जो ये कॉलम है, कॉलम कॉर्नर कट हो जाता है, तो ये वाला टॉप ये उस वाले टॉप पे रखा जाता है, उसके बाद किचन काउंटर इसके ऊपर रखा जाता है। ठीक है, जो पट्टी देख रहे हैं ग्रेनाइट की, तो सामने फेस पर लगा दी जाती है, एरोलाइट से चिपका दी जाती है, यहाँ पर भी आपकी एरोलाइट से चिपका दी जाती है पट्टी। तो इस तरह से फिर बाद में क्या करते हैं, कोटा स्टोन लगाने के बाद, जैसे आपने कोटा स्टोन लगा दिखाया था मैं अभी, कोटा स्टोन लगाने के बाद उसके बाद लगाते हैं ग्रेनाइट, जैसे ब्लैक कलर का देख रहे हैं आप, ये मार्बल लगाते हैं, ग्रेनाइट लगाते हैं, तो प्रोसेस सेम वही रहता है। आपने कोटा स्टोन लगाया था यहाँ पे इस तरह से, कोटा स्टोन अपने वर्टिकल शेप में कोटा स्टोन लगाया है यहाँ पे, उसके बाद आपने एरोलाइट से ये चिपकाया था, इधर भी एरोलाइट चिपकाया था ये, और नीचे जो ये वाला पोर्शन है ये आपने इसमें साइड में लगाया दोनों, ये वाला जो पोर्शन है बॉटम वाला क्या करते हैं, जो ये वाला साइड है, जो छोटे टुकड़े लेते हैं कोटा स्टोन की, वो आपके एरोलाइट से नीचे चिपका देंगे। ठीक है, नीचे चिपका देंगे एंड साइड में लगा देंगे साइड में, ताकि जो पोर्शन है ये नीचे ना गिरे, एरोलाइट का टिक्की लगा के नीचे इसके नीचे लगा देते हैं इस वाले टॉप के। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इसमें कटिंग कर देते हैं, ये वाला कोटा स्टोन में कटिंग करने के बाद ये वाला इसके अंदर चला जाता है, यहाँ पर आपका ये
कोटास्टोन्स, ये आपका एडोलाइट से चिपका दिया जाता है। उसके बाद प्रोसेस, सब कुछ प्रोसेस लगाने के बाद ये किचन काउंटर है, ये कटिंग कोटास्टोन में ही कटिंग करते हैं। यहाँ पे नीचे जैसे आप देख रहे हैं ये वाला जो ये आपका कोटास्टोन है, ये कटिंग करते हैं, कटिंग इसको ऊपर रखा जाता है। ये वाला सी पोर्शन है, जो ये पोर्शन है ये आपका कोटास्टोन के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। और जो ये सामने पट्टी देख रहे हैं, ये आपकी एक इंची से डेढ़ इंची जो भी आपका आपको पट्टी चाहिए वो ही आपकी एक इंची पट्टी है, सामने पट्टी लगा दी जाती है। सभी जो पट्टी होती है आपके पहले, सबसे पहले क्या करते हैं उससे लगा जाती है, एरोलाइट से चिपकाई जाती है इसमें। जब आपका सीमेंट पेस्ट से इसको अच्छी तरह से लगा दिया जाता है यहाँ पे हार्ड करने के लिए इसको। सेम प्रोसेस फिर यही रहता है, आपकी डेढ़ इंची की पट्टी आपके सामने फेस पर लगा दी जाती है। जो इसकी थिकनेस होती है आपकी, इसकी थिकनेस होती है थोड़ा वाइड सेम में लगाई जाती है, ठीक है। एक इंची या डेढ़ इंची जो आप लेना चाहते हैं साइड पे, सवा इंची जो भी रिक्वायरमेंट के लिए। और जो सामने होल देख रहे हैं वो होल सैनिटरी फिटिंग के लिए होता है। सैनिटरी फिटिंग उससे होगी पाइप आपका ट्रैप आपको यहाँ पे आ जाएगा नीचे, जो किचन का जो वॉशिंग ड्रेनेज पाइप ट्रैप से नीचे निकल जाएगा। फिर इस तरह से पत्थर लगाया जाता है सभी, ये सभी आपका कोटास्टोन है। कोटास्टोन का आपने ग्रेनाइट लगाया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपका ग्रेनाइट मार्बल यूज करेंगे। ये पट्टी आपका इंची लगाते हैं, ये आपकी मोल्डिंग है, ये आपका टू साइड मोल्डिंग है। ये टू साइड क्या होता है, वन साइड आपका जो फेस आता है आधी हाफ मोल्डिंग, ये आपकी डबल मोल्डिंग है, जो राउंड शेप में हुई है सर्कल में हुई है वो डबल मोल्डिंग है ये वाली शेप में, ठीक है। ये पूरी डबल मोल्डिंग है, इस तरह से आपकी राउंड शेप हो चुकी है। और ये भी आपकी डबल मोल्डिंग है, मोल्डिंग इस तरह से कुछ शेप आ जाता है मोल्डिंग लगाने के बाद। जो ये आपको टॉप देख रहे हैं किचन काउंटर टॉप है, ये भी आपका ग्रेनाइट से यूज हुआ है, ठीक है। तो कोटर देखा आपने, तो बिना आरसीसी स्लैब के, बिना आरसीसी सरिया रेनफोर्समेंट और सीमेंट कंक्रीट के, या फिर आपका विदाउट फर्नीचर विदाउट आपका ये ब्रिक वॉल पार्टीशन जो वॉल नीचे बनती है उसके वॉल के अपने कोटास्टोन से ही अपने आपको किचन काउंटर टॉप बना दिया है। और इस जैसे आपका ये साइड में फेस में आ जाता है, किचन काउंटर के लिए फेस में आया टॉप आ जाता है। सामने आप ये वॉल इस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हैं वॉल फेस, ठीक है। तो यही बेसिक्स पॉइंट है जो मैंने आपसे शेयर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे।